हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। मेरी मम्मा का खेल वो लोग है पर मैंने बोल दिया कल इनको बुखार आया था। ठीक है, आज तो मस्ती चल रही है। युवा खा रहे हैं मम्मा। रुको तो एक सेकंड। क्या टाइम देखने जा रही हो? तो क्या कर रही हो बेटा? पता नहीं क्या कर रही हूँ, मुझको रहने दो, कुछ मत करो। आप लोग भी खा लीजिए दोस्तों। झूठा करके खिला रही हूँ। नहीं झूठा नहीं किया है, आप खाने जा रहे हैं। अच्छा मैं तो दूसरी कटोरी से खाया था ना। और भैया वाली से आपने खाया था। मौसम दोस्तों बहुत खराब हो गया है हमारे यहाँ। दिखाओ जरा, दिखा दे रहे हैं। गाइस ऐसा मौसम है हमारे यहाँ। गाइस तो यहीं पर चाचा और बुआ अम्मा लोग बैठे थे। यहाँ पर मेरी मम्मा आराम से गाजर का पकौड़ कर महारानी की तरह खा रही है। गाइस आप एक चीज़ देखना, तो मेरी आप हाँटो पीछे मुड़ो एक चीज़ दिखाना है। तो देख सकते हैं गाइस कितना अजीब था। तो ये उसमें मत टच हुआ करो, उनके बार पीछे वाल पेपर लगा हुआ है। निकाल ये देखो तो गाइस ये देखिए, मैं इसकी हेल्प करवाने के लिए आ गया हूँ पर ये गाइस भाग जा रही है, बार बार निकालने नहीं दे रही। इधर पहले से एक घुसंड मार रही है। तो गाइस ये था वो वॉलपेपर। आपको मैं वॉलपेपर दिखा रही हूँ कहाँ वॉलपेपर लगा है। तो यहाँ पे हम बच्चों के साथ में थोड़ा बैठे हुए थे, मस्ती कर रहे थे हम सब बच्चे। और यहाँ पे अचानक से मौसम भी थोड़ा गड़बड़ होने लगा, तो मैं यहाँ पे कुछ जो मेरे कपड़े डाले वाले थे उसको मैं हटाने आ गई हूँ, क्योंकि अचानक से मौसम चेंज हो गया। अभी तक तो धूप थी, वैसे लग रहा था कि मौसम गड़बड़ होगा, लेकिन ये उम्मीद नहीं थी कि बारिश भी होने लगेगी। और यहाँ पे बादल भी आ गए हैं और बारिश भी, मतलब अभी तो बूंदें गिर रही थी और लगता है कहीं तेज़ बारिश ना होने लगे। इसलिए मैं कुछ जो डाले थे बाहर थे कपड़े वपड़े बच्चों के, कुछ स्कूल के जूते भी थे उसको भी मैंने धुल दिए थे, वो भी मैं हटा लेती हूँ। वैसे तो परसों से ही मतलब मौसम चेंज हुआ था यहाँ पे, और कल तक तो कुछ सही था, लेकिन आज तो मौसम बिल्कुल चेंज हो गया है। और यहाँ पे बच्चे खेल रहे थे, वही मैं बुला रही थी इनको कि आ जाओ अंदर वरना भीग जाओगे, क्योंकि बारिश अब होने लगी है, लेकिन बच्चे हैं मानते नहीं, इनको खेलने की मिल जाए बस। और अब बारिश हो रही है तो मौसम भी थोड़ा चेंज हुआ है, ऐसे लग रहा था कि अब तो ठंडी चली गई, लेकिन अब बारिश हो रही है तो ऐसे लग रहा है फिर से ठंडी आ जाएगी दोस्तों, क्योंकि अगर बारिश हुई तो फिर मौसम भी ठंडा होने लगेगा दोस्तों। फिर से स्वेटर जो मोटे मोटे धुल के रख दिए हैं उनको फिर से निकालना पड़ जाएगा। और यह है शाम का टाइम, और यहाँ पे हम कुछ हमारी पूजा की जो बत्तियाँ होती हैं वो ख़त्म हो गई थी, तो वही मैं उसको बना रही थी। वैसे मैं रेडीमेड भी जो मिलती है उसको भी ले लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ रुई ढेर सारी आ गई थी तो रखी थी, तो मैं उसी को बना ले रही हूँ हाथ से, क्योंकि हाथ से बना लेते हैं बन जाता है, बहुत इजी भी होता है, कोई टाइम नहीं लगता है। तो अभी के लिए थोड़ा सा बना ले रही हूँ, और उसके बाद मैं टाइम मिलेगी तो बच्चे जब स्कूल चले जाएँगे दोपहर को उसके बाद बना लूँगी। और यहाँ पे खाना की भी तैयारी हो गई दोस्तों, शाम हो गई थी तो इसीलिए थोड़ा दिया हुआ जला लें फिर उसके बाद खाना वाना बनाएं।
और इसे हम बातें भी बना रहे थे, और यहाँ पे बच्चों को वैसे उनका होमवर्क जो मिला था वो भी ऐसे साथ में करा रहे थे, क्योंकि अगर हट जाओ तो बच्चे होमवर्क नहीं करते, इसलिए हम दोनों साथ में कर रहे हैं कि दोनों काम हमारे हो जाए। उनका यहाँ पर होमवर्क भी हो चुका है और मैं यहाँ पर बातें भी कंप्लीट कर लूँगी। और यहाँ पर हम होमवर्क कराते कराते काफ़ी हमारी बातियाँ बन गई हैं दोस्तों, और ये बनाना भी थोड़ा इजी ही होता है, बस इसको ले लो। और वैसे तो हाथ से ही बन जाते हैं, और कुछ कुछ हाथ से अगर नहीं फिसलते हैं तो थोड़ा दूध लगा लेते हैं, दूध से इनका थोड़ा सा ऐसे फिंगर। तो गाइस देख सकते हैं मेरा छाता। आपको अच्छा लग रहा होगा तो लाइक करिएगा प्लीज़, और अगर थोड़ा काम अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब, अगर ठीक ठाक लग रहा होगा तो फिर से अल्लाह सब्सक्राइब, और अगर अच्छा नहीं लग रहा होगा तो कुछ नहीं करिए, कमेंट कर दीजिए, और अगर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी। तो चलिए दोस्तों हम जा रहे हैं दिया जलाने, मेरी बाती बन के रेडी हो गई है दोस्तों। मैं डालूंगी मम्मा, मैं येलो बेबी होता है ना, येलो बेबी होता है ना, लेकिन मैं कहता हूँ येलो बेबी, मतलब पीला बच्चा। ये देखो मेरी गाइस, ये देखिए मेरी ड्राइंग। तुम लोग हम लोग करने लगते हैं कुछ तो तुम लोग क्या जाती हो। मम्मी क्या हुआ मम्मा, मैं चलो आया। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग दोस्तों, ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, और दोस्तों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।